नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेयर 3 एजुकेशन में। संविदा की परीक्षा के लिए उपयोगी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का यह नया वीडियो शुरू करते हैं। चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जिसे आप पढ़ें। इसमें लिखा है, बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यह कथन है स्ट्रॉन्ग, पियाजे, ब्रूनर या कॉलेसनिक। आप इसका आंसर जानते होंगे। अभी आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉलेसनिक। अब इसको याद रखने की यदि बात करें तो आप इसको फीलिंग के साथ जोड़ सकते हैं कि बालक को यदि आनंददायक सरल कहानियों के द्वारा नैतिक शिक्षा नहीं देंगे तो घर में कलेश होगा, जिससे आपको कॉलेसनिक पक्का याद रहेगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बुद्धि और विकास है एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के समान, एक दूसरे के पूरक या इनमें से कोई नहीं। यदि आप इस क्वेश्चन पर विचार करें तो बुद्धि और विकास आप पक्का समझ सकते हैं। वृद्धि मतलब किसी चीज़ में बढ़ोतरी होना और विकास भी बढ़ोतरी होना, तो दोनों एक दूसरे के विरोधी तो कभी हो नहीं सकते। दोनों एक दूसरे के समान बोलें तो भी एकदम समान नहीं हो सकता, क्योंकि वृद्धि बुद्धि की भी हो सकती है, विकास किसी कार्य का हो सकता है, इसलिए एकदम समान भी नहीं। तो एक ऑप्शन आप देख रहे होंगे सी ऑप्शन, एक दूसरे के पूरक। पूरक का मतलब होता है सप्लीमेंट, एक है तो दूसरा भी होगा, दूसरा है तो पहला भी होगा। ऐसा करके आप इसका सी ऑप्शन सही आंसर होगा, ध्यान रख सकते हैं। इनमें से कोई नहीं हो सकता। एक बात आप विशेष ध्यान रखें, इन क्वेश्चन में अधिकतर आंसर यदि आप निकालें तो ऑप्शन काट कर पहुँचेंगे, तो जल्दी सही पहुँचेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थार्नडाइक, मैकडूगल, कोहलर या पावलॉव। आप ये वन लाइन फैक्ट पर याद किए होंगे, आपको यह याद भी होगा कि प्रयास और भूल सिद्धांत थार्नडाइक का है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, थार्नडाइक। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन आप पढ़ें, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है विद्यालय पूर्व अवस्था में, शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में या उत्तर बाल्यावस्था में। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कि बच्चे का सामाजिक विकास पूर्व बाल्यावस्था में वास्तव में प्रारंभ हो जाता है, बाल्यावस्था से पहले ही सामाजिक विकास उसका शुरू हो जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है, विद्यालय समाज का लघु रूप है। यह कथन है ओटावे का, ड्यूवी का, थॉमसन का या ब्राउन का। आपका सही आंसर, आपने याद किया होगा, ड्यूवी का कथन है ये, कि विद्यालय समाज का एक लघु रूप है। विद्यालय मतलब जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता है वह विद्यालय उसके समाज का एक लघु रूप प्रदान करता है, जो समाज की जानकारी विद्यालय से मिलती है, यह बात कही थी ड्यूवी ने। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है, प्राथमिक कक्षा के बालक के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है, मतलब जो प्राइमरी लेवल का बच्चा होता है यदि उसे पढ़ाना हो तो सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है प्रयास व भूल विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि या फिर खेल विधि। आपका सही आंसर होगा खेल विधि। इस बात में भी मीनिंग है कि जो प्राथमिक कक्षा के बच्चे होते हैं या उससे छोटे बच्चे होते हैं वो प्रयास और भूल विधि को समझने में थोड़ा अनुपयुक्त रहेंगे, अनुकरण विधि भी एकदम समझ नहीं पाएंगे, व्याख्यान विधि तो समझना बहुत दूर रहेगी, खेल विधि से वो खेल खेल में बहुत सारी बातें सीख सकते हैं, इसलिए प्राथमिक लेवल के जो बच्चे होंगे उनके लिए उपयुक्त विधि होगी खेल विधि। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, सृजनात्मकता की विशेषता होती है। सृजनात्मकता मतलब किसी चीज़ को सृजन करना, किसी को बनाना, उसमें क्या विशेषता होती है, इसके ऑप्शन पढ़ें, मौलिकता, प्रवाहशीलता, लचीलापन या उपरोक्त सभी। आप जानते हैं कि सृजन करने के लिए मौलिकता बहुत ज़रूरी है, प्रवाहशीलता भी होनी चाहिए कि किसी बात को लेकर रुके नहीं, एक प्रवाह में चलते जाएं, और लचीलापन भी बहुत ज़रूरी है कि हर व्यक्ति की बात को आप समझ सकें, इसलिए उपरोक्त सभी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जिसे आप पढ़ें, अधिगम को प्रभावित करता है कक्षा का, पहला ऑप्शन सामाजिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण,
आर्थिक वातावरण या प्रशासनिक वातावरण। देखिए, अधिगम को प्रभावित करने के लिए यदि आप इसमें से ऑप्शन ढूंढेंगे तो आपका सही आंसर होगा मनोवैज्ञानिक वातावरण। आखिर उस एटमॉस्फेयर में मन के प्रति क्या वैज्ञानिकता है, मन को कितना प्रभावित किया जा रहा है, ये सदैव अधिगम को प्रभावित करता है। इसलिए कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण सदैव अच्छा होना चाहिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये विज्ञान में आप थोड़ा सा सही पढ़िएगा, यहाँ पर लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। विज्ञान आप सही पढ़िएगा, विज्ञान इसी प्रकार का है, ज्ञानी लिखा हुआ तो विज्ञान है। यह परिभाषा किसकी है, डेविस, स्किनर, बी एन झा या वुडवर्थ? इसको ध्यान से पढ़ें। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, मतलब बालक के मन को यदि प्रभावित किया जाए तो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान यही कहलाता है। ये आखिर किसने कहा था? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। स्किनर का यह सिद्धांत है, स्किनर की यह परिभाषा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक हैं लेविन, मैकडूगल, फ्रायड, क्लार्क हॉल। यह आपने अपने अध्यापन के दौरान पढ़ा होगा कि अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम है क्लार्क हॉल। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, क्लार्क हॉल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है दंड व आरोप, पुरस्कार व प्रशंसा, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा या अधिकारी बनने की इच्छा। यदि आप इसमें ऑप्शन काटना चाहें तो अधिगम की सफलता के लिए दंड और आरोप जैसी कोई बात होना ज़रूरी नहीं है। पुरस्कार और प्रशंसा भी एक हद तक मदद करती है, ज़्यादा मदद नहीं कर पाती, लेकिन ऑप्शन सी बहुत अप्रोप्रिएट रहेगा यहाँ के लिए कि लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा यदि किसी में है तो अधिगम की सफलता का मुख्य आधार इसे माना जा सकता है। जबकि डी ऑप्शन में भी अधिकारी बनने की इच्छा इतनी पावरफुल नहीं होगी, तो सबसे नज़दीकी ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है, उत्तेजना, कष्ट व प्रसन्नता, भय, क्रोध व स्नेह या इनमें से कोई नहीं। बात को समझिए, वाटसन ने नवजात शिशु जो बहुत छोटा शिशु होता है उसमें मुख्य रूप से जो संवेगों की बात कही है, जो फीलिंग्स की बात कही है, वो उत्तेजना, केवल उत्तेजना नहीं होती, कष्ट और प्रसन्नता भी एकदम से उनको समझ नहीं पड़ती, लेकिन सबसे नज़दीकी ऑप्शन आप सी वाला पढ़ेंगे तो भय उनमें होता है, क्रोध उनको आता है जब वो रोते हैं, और स्नेह भी उनके मन में उत्पन्न होता है। तो इसलिए ऑप्शन सी आपका सही होगा, भय, क्रोध व स्नेह। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। जो अध्यापक काम संबंधी शिक्षा दे उनमें निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए? देखिएगा, आपके ऑप्शन हैं संवेगात्मक परिपक्वता, विनोदी स्वभाव का, काम विषय की अच्छी जानकारी या उपयुक्त सभी। आप इसमें आराम से बता सकते हैं कि तीनों ही बातें बहुत ज़रूरी होती है। यदि कोई शिक्षक आपको काम के प्रति कोई जानकारी देना चाहता हो, पढ़ाना चाहता हो, तो संवेगात्मक परिपक्वता उनमें होनी चाहिए कि उनकी लेक्चर में एक संवेग रहे। विनोदी स्वभाव भी बहुत ज़रूरी है कि वो व्यक्ति हंसी मजाक करता रहे ताकि स्टूडेंट को बोरिंग ना लगे। और काम विषय की अच्छी जानकारी, ये तो मुख्य विशेषता है कि जिस काम के बारे में वो आपको बता रहे हैं उसकी अच्छी जानकारी उनको ज़रूर होनी चाहिए। इसलिए हम लोग कहेंगे कि उपयुक्त सभी गुण उस शिक्षक में ज़रूरी है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किशोरों को निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता है, यह कथन है मार्शल का, स्किनर का, जॉन का या सिम्पसन का? यह आपने पढ़ा होगा, वन लाइन फैक्ट पे भी याद रखा होगा कि किशोरों को निर्णय लेने का अनुभव नहीं होता, यह कथन कहा था स्किनर ने। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा, स्किनर। आप इसको याद भी रख सकते हैं कि जो किशोर होते हैं जो परिपक्व नहीं है वे केवल स्किन देखकर ही कोई निर्णय लेते हैं, तो स्किनर आपको पक्का याद रहेगा, यानी कि उनको अनुभव नहीं होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। कितने माह का शिशु वयस्क व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है, माने
ऐसा कौन सा शिशु कितने अवधि का होगा जो किसी भी व्यक्ति के एक्सप्रेशन को पकड़ सकता है, चेहरे के भाव पता कर सकता है, पहचान सकता है? ऑप्शन है 4 से 5 मास, 8 से 9 मास, 5 से 7 मास या 3 मास। देखिए 3 मास तो बहुत कम हो जाएगा, 5 से 7 महीने और 8 से 9 महीने थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 4 से 5 महीने का जो बच्चा होता है वह किसी भी व्यक्ति के एक्सप्रेशन को पहचान सकता है। यदि आप गुस्सा करें तो वो समझ जाएगा, यदि आप प्रेम बताएं तो भी वह समझ जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मानव विकास जिन 2 कारकों पर निर्भर करता है वह हैं जैविक और आर्थिक, जैविक और सामाजिक, सामाजिक और राजनीतिक या सामाजिक और आर्थिक। आपने क्वेश्चन को समझ लिया होगा कि मनुष्य का विकास जो होता है वो मुख्य रूप से किन 2 कारकों पर, किन 2 बातों पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। आपका सही आंसर होगा जैविक और सामाजिक, क्योंकि आर्थिक की बात और राजनीति की बात तो बाद में आती है, पहले जैविक और सामाजिक निर्भरता होती है, यह मुख्य विकास की ज़रूरतें हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 17 क्वेश्चन आप पढ़ें। निम्न में से कौन सी लिपि दृष्टिबाधित बालकों से संबंधित है? देवनागरी लिपि, द्रविड़ लिपि, ब्रेल लिपि या ब्राह्मी लिपि? ये तो आपने जीके में भी कई बार पढ़ा होगा कि लुईस ब्रेल ने ब्रेल लिपि विकसित की थी ताकि जो दृष्टिबाधित बालक हैं, जो दृष्टिबाधित का मतलब जो अंधे बच्चे हैं, वे भी पढ़ सकें। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रेल लिपि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उपयुक्त विधि है जिसमें बच्चे छूकर महसूस कर सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18 है। बालक को दाएं बाएं का ज्ञान हो जाता है 6 वर्ष की उम्र में, 3 वर्ष की उम्र में, 4 वर्ष की उम्र में या 18 वर्ष की उम्र में? आपका सही आंसर होगा बालक को दाएं बाएं का ज्ञान 6 वर्ष की उम्र में हो जाता है, 6 ईयर्स की एज में ज्ञान हो जाता है। यहाँ पर ज्ञान शब्द में आप ध्यान से पढ़ें, वह ज्ञान लिखने में थोड़ी गलती हो गई, वह ज्ञान ज्ञानी का ही लिखा है ऐसा करके आप पढ़ें कि ये ज्ञान होता है 6 वर्ष की उम्र में, जब वो लेफ्ट और राइट का नॉलेज रख लेता है, ज्ञान कर लेता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 19 नंबर का क्वेश्चन आप पढ़ें। कौन सा सीखना स्थाई होता है, रट कर, सुन कर, समझ कर या देख कर? देखिए ये तो बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन हो गया कि रट कर कोई भी बात को आप स्थाई रूप से याद नहीं रख सकते हैं, रटा हुआ भूल जाएंगे। सुनकर भी एक समय अवधि की बात भूला जा सकता है, लेकिन एक समझ कर लिखा ऑप्शन, यदि आप किसी बात को समझ लें तो वो आपको बहुत लंबे समय तक स्थायी रूप से याद रहेगा। जबकि ऑप्शन डी में देख कर लिखा था तो देखी हुई चीज़ें भी भूली जा सकती हैं। तो आप कॉमन सेंस इसका आंसर बता सकते हैं ऑप्शन सी। बात करते हैं आखिरी क्वेश्चन की, जिसमें लिखा है बाल विकास की दृष्टि से सर्वाधिक समस्या का काल होता है। बाल के विकास में, बालक के विकास में सर्वाधिक समस्या कब होती है? उसके ऑप्शन हैं किशोरावस्था, शैशवावस्था, वृद्धावस्था या उपरोक्त सभी। देखिए इसका सही आंसर होगा शैशवावस्था, जब वह शिशु होता है तब बहुत समस्याएं होती, किशोरावस्था में उसमें समझ आ जाती है और वृद्धावस्था में ऐसी कोई बात नहीं होती, उपरोक्त सभी हम लगा नहीं सकते। कई बार स्टूडेंट को देखा जाता है कि वे उपरोक्त सभी के सारे ऑप्शन लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी जगह उपरोक्त सभी सही हो या आवश्यक नहीं, तो हमारा आंसर होगा शैशवावस्था। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो अपने दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर बहुत अच्छा हो और आराम से ज़्यादा अंक प्राप्त करें। यदि आपको हमारे वीडियो से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट हिंदी और इंग्लिश के आवश्यक हों और चाहिए तो आप दिए गए नंबरों पर ज़रूर संपर्क करें और अपने सेट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी और बात के लिए, जानकारी के लिए भी आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।